त्यागी जी कैसे हो? काम बढ़िया चल रहा है? त्यागी जी हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत खुश रहते हैं, स्माइलिंग। ये त्यागी जी हमारे लोकल नहीं रहते हैं, और ये हमारे भाई हैं नेपाल से। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? सब होंगे बढ़िया। आज हमारे घर में आए हैं कुछ लोग दूर दूर से। ये हमारे पहले भाई जी हैं। भाई अपने बारे में प्लीज़ बताइए जरा। मेरा नाम सुजीत गनगरिया है और मैं हल्द्वानी से आया हूँ। बेसिकली मैं आज मेरा मिलने का था किशन राणा जी से, प्रदीप के फादर, उनसे बात किया और अब मैं प्रदीप से बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। तो आपको भी हम अपना होम स्टे दिखा रहे हैं। sure. साथ में हमारा राजू, राजू ब्रो कैसे हो? बढ़िया ब्रो, सब बढ़िया। और हमारा रास्ता ब्रो है, रास्ता ब्रो हेलो बोल दो। चलो राजू ब्रो, तुम भी पहली बार देख रहे हो ना? हाँ पहली बार। चलो, तो एक्चुअली ये दो रूम है, ये एक जगह बड़ा रूम है, ये जगह छोटा रूम है। स्टार्टिंग में दो ओपनिंग आपको दिख रहे होंगे, इसमें हम स्लाइडिंग डोर वाला को सोच रहे हैं। अच्छा। वैसे जो होटल में होता है मोस्टली ओपन विंडोज लगी, वो लगेंगी है। अच्छा, ये होम स्टे के लिए? होम स्टे के लिए। हाँ, वो किचनेट अंदर दे रखा है। हाँ, ये किचनेट दे रखा है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये रूम हो गया, इसके यहाँ से ओपनिंग है, दोनों ओपनिंग होगी, वो उसका वॉशरूम हो गया सामने, वो अंदर उसका इसका वॉशरूम हो गया। हाँ, ये वहाँ से भी डोर है। हाँ, वहीं से मोस्टली वहीं से, और वहाँ से यहाँ, हाँ यहाँ से भी ये आप बाहर आ सकते हो, ये यूज़, ये आप ये स्पेस यूज़ कर सकते हो। हाँ, और ये दूसरा है। हाँ, ये जरा सा बड़ा है, यहाँ पे काम चल रहा है। त्यागी जी कैसे हो? काम बढ़िया चल रहा है? त्यागी जी हमारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत खुश रहते हैं, स्माइलिंग। ये त्यागी जी हमारे लोकल नहीं रहते हैं, और ये हमारे भाई हैं नेपाल से। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। मैं एक्चुअली नेपाल 3 बार गया हूँ, मेरी पहली जर्नी नेपाल से शुरू हुई है। तो नेपाल मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मुझे बहुत बहुत पसंद नेपाल, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप गए नहीं अभी तक? मैं भी नहीं गया, लेकिन जाने का विचार। आप नेपाल जब जाएंगे आप नेपाल को भूल नहीं पाएंगे, इतना ब्यूटीफुल कल्चर, इतना अच्छे लोग, गाना वाना बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया लगा नेपाल। तो अब ये रूम की बात करते हैं। ये देखिए, ये है, अब ये है कि हमने 3 गार्डर बैठा रखे हैं, अब यहाँ से हम सीढ़ी देंगे करके। अच्छा, अब इसको हम उठाएगा, मतलब कि आप बच्चे इसमें हम प्लाई डाल देंगे ताकि बच्चे यहाँ पे, जैसे लॉफ्ट बनता है। हाँ, कुछ 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 उस टाइप का, उस टाइप का। यहाँ पे मेन 6x ये किंग साइज बेड रहेगा, यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, और बच्चे के लिए बच्चे ऊपर चढ़ के ऊपर रह सकते हैं। ये बड़ी फैमिली के लिए, जो 4 लोग आ रहे हैं। हाँ, तो बाबा मम्मी यहाँ सो गए, यहाँ पे सोफा लगा देंगे, आउटर व्यू, बच्चों के लिए टेबल वहाँ पे, बीन बैग वहाँ पे, और बच्चे सोने के ऊपर वहाँ से ओपनिंग दे रखी है उनके सैनिटेशन के लिए। और ये इसका, ये हमारा वो बन जाएगा अलमारी टाइप का, कपबोर्ड या कोई बन जाएगा, और एक ओपनिंग आज देगी ताकि हवा पास होते रहे। और ये है एक किचन एरिया है बड़ा जो है, ये अगर कोई अगर आ रहा है लॉन्ग वेकेशन के लिए तो उसको हम यहाँ पे कुछ दे देंगे, यहाँ पे सामान वगैरह, इंडक्शन वगैरह दे देंगे, बर्तन दे देंगे, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं। खिड़की बड़ी ताकि जरा ओपन अपन लगे, हवा आती रहे, सैनिटेशन पास होते रहे। बड़ा सुंदर सा दिख रहा है ये पहाड़ी, पहाड़ी घर है पूरा। हाँ, ये एक्चुअली अभी ये अबैंडन है, अबैंडन हो गए। तो ये किचन एरिया है, और ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम होगा। हाँ, विंडो मैंने कोशिश की, जितनी बड़ी विंडो उतना बढ़िया है। इसमें हम वो हल्का सा वो लगाएंगे, हेज वाला वो लगाएंगे ताकि अंदर बंद करा, तो अंदर देखे ना। हाँ, जो झिलमिल वाले होते ना, उसको कौन सा ग्लास होता है वो लगाएंगे। तो ये अभी जो ये किचन है, अब इनको किचन यूज़ नहीं करना है, तो इनके लिए बंद कर देंगे रास्ता भाई। हाँ, इनका सॉरी, इनका तो ये है ही है, बाथरूम है तो इनका तो एक्सेस हो गया होगा। अब इनको करना है तो फिर ये शेयरिंग बेसिस हो जाएगा। अब ये यहाँ बन गया था, इसको कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो ये है इसका, ये 2 ओपनिंग है, एक बेड यहाँ रहेगा, क्वीन साइज बेड रहेगा। अगर यहाँ पे एक ही फैमिली रहेगी वैसे मोस्टली, अब चलो आगे फिर यहाँ पे एक और डाल देंगे, यहाँ वहाँ पे सोफा रहेगा, ये बाहर का व्यू रहेगा, यहाँ पर भी बाहर बैठने का सिटिंग का सोफा जैसा कुछ। हाँ, इन फ्यूचर हम इसमें कुछ ऊपर डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ बैठने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं, ये सही करके फ्लोर। तो ये है, ये बस 2 रूम अभी डेवलप कर रहे हैं, और 2 बाथरूम एक्स्ट्रा डेवलप कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी फैमिली आ गई, ज़्यादा लोग आ गए, 5-10 लोग आ गए, तो 2 बाथरूम ऊपर भी है। इसके ऊपर कुछ नहीं, बस ये ओपन स्पेस है, ऊपर भी अच्छा एक वो। हाँ, बहुत अच्छा व्यू ऊपर, आप ऊपर दिखाते हैं आपको एक बार। तो ये अभी ये टाइल्स सब हल्द्वानी से आई हैं, यहाँ पहुँचते इतना महंगा पड़ा था, क्या बताऊँ आपको। ये अल्मोड़ा मार्केट भी इतना नहीं है। अल्मोड़ा मार्केट अभी क्या कि वही सेम अल्मोड़ा गए यहाँ से, तो फिर हल्द्वानी पहुँच जाए, वही सेम ही। हाँ, रेत भी वहीं से मिलती है, सब वहीं से मिलना है ट्रा। तो फिर पहले यहाँ से रोड में लाओ, रोड से फिर यहाँ ढुलाई करो, खर्चा डबल हो जाता है हमारा फिर। तो ये जरा छत है, ये पूरा फुल ओपन स्पेस है,
ये दो पानी की कोई कमी तो है नहीं आपके यहाँ पानी की? हाँ बस एक ही, हाँ सुबह शाम आता है एक ये टैंकर रखा है 1000 लीटर का, एक और रखेंगे अभी, दो लग जाएंगे। ये भी अच्छा स्पेस है। हाँ ये बहुत अच्छा स्पेस है, रात शाम के सनसेट देख सकते हो वहाँ से, वहाँ सनसेट होता है और यहाँ से पूरा ओपन स्पेस है, सामने कोई पेड़ वेड़ नहीं है ना, तो अच्छा लगता है ये वाला स्पेस। और फिर आगे ये है कि हाँ ये ओपन पूरा आगे स्पेस है और किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, मेन बात ये है, लोगों को इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है, बैठे रहे वो कर रहे हैं। अब यहाँ से व्यू ले सकते हो, पेड़ लगा रहे हैं अभी, यहाँ से हमने ये पेड़ लगाया था 8 साल पहले पापा मम्मी ने, इतना बड़ा हो गया। बाज का पेड़ को पता, बाज का पेड़ कितने ज़्यादा वो है पहाड़ों में, हाँ ओक कितने कितनी नीड है इसकी, ठंडा करता रहता है, पानी को जोड़ कर करता है। अभी हमने और लगाया था सब पूरे रूम में लगा रखे बाज के पेड़, वहाँ बाज के पेड़ लगा रखा मैं, जो लास्ट 2 साल पहले मैंने उस रूम में पूरे बाज के पेड़ लगा के गया, क्योंकि देखिए पूरे पीछे पूरी बंजर जमीन है ना, पानी ज्यादा ये वो करता ना, आई थिंक यूज करता चीड़ का जो है, ये पाइन वाला पाइन ट्रीज, हाँ ये बहुत ज्यादा वो करती हैं, ड्राई रहता है, बहुत ड्राई है जमीन। अब जो यहाँ पे एक ही हमने कर रखा है इतना, प्रोपेगेट भी बहुत करता है जो इसके जो फॉल करते हैं पाइन फ्रूट्स उसके अंदर सीड, हाँ वो बहुत जल्दी होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये छोटा स्पेस है ये, बस यहाँ से वहाँ तक लगा रखा है ये ओक, ये बांच, हाँ बांच पूरे वो देखो एंड से लेके वहाँ तक लगा रखा, और फिर यहाँ से लेके उधर भी लगा रखा, पीछे भी लगा रखे, पूरे लगा रखे। अब यहाँ पे एक मेन दिक्कत ये है कि जो जो लोग चलते हैं कम है, जिनको चलने में दिक्कत होती है, उनको वो नीचे रोड है वहाँ से 300 मीटर 400 मीटर ऊपर आना पड़ेगा, पर ये क्या पहाड़ में आ रहे तो इतना तो इसी के रेडी रहना ही पड़ेगा, इतना फ़ायदा क्या पहाड़ में आने का। तो ये है ज़रा, और ये ब्यूटीफुल सा सामने का व्यू है, ये हमारे खेत है, शारे का खेत आता है सामने, गाँव आ जाते हैं, ये आते हैं तो ये ओपन 180 डिग्री आपको दिख जाएगा। फिर हमारी दूसरी हमारी जो हमारा पुराना घर है ना सामने, वो टीन चमक रही हो, हाँ हाँ, अगर यहाँ से जाएंगे ना ऊपर को, ये रास्ता आगे जाएगा कोहा निकलेगा, अच्छा ये 18 किलोमीटर कोहा पहुँच जाओगे आप, राइट हाँ, वहाँ से भी कोसानी जाने का रूट, हाँ हम वही ये यहाँ से घूमते हुए आप नदी क्रॉस करेंगे, आप पुल बन रही है अभी 18 किलोमीटर पर, आप सीधा कोहानी वो धार पार करेंगे कोहानी पहुँच जाएंगे। ये रूट जरा हल्का सा रफ है, मतलब कच्चा टाइप का है, पर आपको मजा आएंगे ऑफ रोड के लिए। आपने भी साइकिलिंग? हाँ मैं जो एम टी पी कोहानी कराई थी उसी पहाड़ से पीछे आई थी, कोहानी के पीछे ऐसे होते 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 वहाँ से होते होते ऐसे करके रोड से इधर गरुड़ गई थी, गरुड़ से वापस कोहानी। अभी और कोई रूट आपने ढूंढा इस बीच? हाँ और इस बीच एक्चुअली अभी इस बार अभी सेम रूट तो देंगे नहीं एम टी पी कोहानी में, इस बार दूसरे रूट से ले जाएंगे और इस रूट से अपील करवाएंगे कच्चे रोड में, यहाँ से हाँ वापस ले जाएंगे और हाँ इधर मेन हाईवे हम छोड़ देंगे। और कुछ और रूट है ये पीछे, अब इस बार मैं लीती जा रहा हूँ, लीती गोगी ना सुना आपने? हाँ, नामी हाँ लिती, तो वहाँ पे एक्चुअली एक है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है कुछ कुरंगा जी हैं, अच्छा। तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हैं, ये सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि मेरा एक मन है वहाँ पे हम जा और हाई एल्टीट्यूड में साइकिलिंग का उसमें प्रोफेशनली करना चाहता हूँ। तो ना आप आइए, और अभी यहाँ पे वो जो टूरिज्म है वो प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, तो बोला ये अपना वो लाओ प्रपोजल लाओ हम शायद को करा सकते हैं, मेरा भी मन है उस तरफ, हाँ तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताऊंगा जब मैं पहुँचूँ, वहाँ पे अच्छे होम स्टे बना रखे हैं उन लोगों ने, बहुत अच्छा डेवलप कर रखा बता रहे थे मुझे, तो बोलते पक्का एक बार आए वो देखो करके, तो कैसे हम यहाँ पे काम कर सके वही मेन गोल है। तो ये भी है दूसरी वहाँ पे हमारे जो पुराना पैतृक घर है वहाँ पे जो सेंटर में है उसके पीछे जगह, वहाँ भी मैंने पहले वहाँ भी हल्का सा मैंने स्पेस बनाई थी ताकि मैं यहाँ पे होम स्टे सॉरी कैंप साइट बना पाऊँ, हाँ वहाँ से पूरा हिमालय दिखता है आपको, वो अच्छा स्पॉट है, पर उसके बाद मुझे एफ्रीका निकलना पड़ा अपनी जर्नी में, फिर मैंने वो स्पेस छोड़ दिया, फिर मैंने कहा घर पे पहले स्टार्ट यहीं से करता हूँ, तो कैंपिंग लिए तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, वही वैसे ही वहाँ पर घर है, वही और आपको बस कुछ कैंप्स के लिए लगाने की अपनी साइट्स आपको पता ही होंगी वही, तो आज चले आज भी लग जाएगा वही, एक्चुअली मैंने वहाँ पे एक्चुअली मैंने वो स्पेस बनाई है ताकि उनको लगे, और वहाँ पे बाथरूम का भी वो बना रहा था, फिर अब काम हो नहीं पाया, फिर अभी छोड़ दिया, अभी यहीं पे इसे काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा स्कूल का छत हो गया, यहाँ पे बगल में स्कूल चलता है, स्कूल का छत हो गया पूरा, और ये हमारे भाई जी हैं जो हमारे ये टाइलिंग का काम कर रहे हैं, ये हमारे भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? सोनू भाई हमारे, आप कहाँ से? बरेली। ये बरेली से हैं, बहुत ही बढ़िया बंदे, काम A1 काम है इनका, बिल्कुल अभी देखा मैंने काम A1 काम, और इनके दोस्त हैं साथ में, आपका नाम क्या हुआ भाई? दिनेश भाई, ये गरुड़ से ही हैं, अच्छा। तो हमारे पहाड़ के यूथ इतना अच्छा है कि मतलब फायर फालतू टाइम वेस्ट ना करके साथ में हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, होना चाहिए, हमारे यहाँ के लोग जो है फालतू यहाँ देखो बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, अच्छी बात है कि यहाँ के यूथ है जो ऐसे प्रोडक्टिव काम में कहीं भी हो ना, काम छोटा बड़ा थोड़ी होता भाई जी, मैंने खुद जब मैं कॉलेज में था मैंने वो रेस्टोरेंट में काम किया था अपनी वो करने के लिए ना, तो छोटा बड़ा नहीं होता, अच्छी बात बहुत अच्छी बात है, तो ये करना चाहिए। तो ये आपको कैसा लगा फिर पूरा देखने के बाद? मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं होप करता हूँ आप इसको जिस तरह से आप विजन आपका है आप उससे भी अच्छा बनाए इसको, बिल्कुल मेरी ऑल द गुड विशेस आर विद यू, बिल्कुल मेरी कोशिश पूरी ये है कि हाँ जितना हो सके यहाँ पे इस एरिया को प्रमोट करना, और इवन आपको पता है भी नाम सोचा है भी इस घर का इस होम स्टे का हमने सोचा है कि उत्तराखंड होम स्टे,
मतलब मेरे ख्याल से बहुत यूजुअल हो गया क्योंकि ऑलरेडी नेम टेकन होगा, पर हम इसको फिर करेंगे उत्तराखंड होम स्टे बाय हितैषी। हितैषी संस्था के अंदर ही हुआ तो ऐसा कुछ सोचा है, अब देखिए कैसा रहता है आगे। बस ये है छोटा सा, इसको स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। और अभी है हमारा कौसानी नियरेस्ट हिल स्टेशन है। अभी ये कोरोना के बाद वहाँ पे बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि आपको पता कि जो मेन कस्टमर है वो सब नैनीताल से ऊपर कोई आ ही नहीं रहा। कैसे हम सब में काफी ड्रॉप बहुत ड्रॉप हुआ है, बहुत ड्रॉप हुआ है इस बार ही, तो बहुत ही बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो वही लास्ट टाइम इस साल 2024 में थोड़ा ये नंबर्स इंक्रीज, वही तो वही लास्ट ईयर मैंने इवेंट कराया था एमटीवी कहानी, मैं चाहता कि वहाँ पे जरा शायद होटल एसोसिएशन ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया था, होटल एसोसिएशन ने बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ था। और इस बार भी करा के जरा एक इवेंट और करना है ताकि जरा नाम हाईलाइट हो, ऐसे इवेंट हो तभी हाईलाइट होगा। नैनीताल में कितने मैराथन होती है, नैनीताल कार्निवल होता है तभी तो वहाँ लोग आते हैं, और बस जगह खाली पड़ी है बस कुछ है तो ऐसे लोग आते ही नहीं है। पर नैनीताल में भी इतना ज़्यादा है, अभी मैं जिस दिन आया था कौसानी की तरफ, एक तो क्रिसमस से पहले 24 तारीख को, तो वहाँ पर क्या है कि आप जोलीकोट से हैं या भीमताल से हैं दोनों साइड से आपको बहुत ज़्यादा रश, वही तो अभी इतना रश हो गया। और फिर कैंची में आप आएंगे फिर कैंची में भी आपको वही आपको ऑर्डिल से निकलना पड़ता वही, है वही, वही, वही। कहीं जाके फिर बाद में रास्ता आपको लगता है कि अब हम निकल गए तो बच गए, लेकिन बहुत ही लंबे लंबे मैंने जैम्स देखे, बहुत रश है और गाड़ियां खड़ी खड़ी वहाँ पर, अब बेचारे लोग भी खड़े क्या करें वहाँ। वही 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 तो ये है, तो मेरे को लगता है यहाँ की तरफ क्यों नहीं आते हैं इस तरफ जो खुला है। अब वही है ना, जो दिल्ली वाले हैं अब उनको सैटरडे मिलता है, उनका टाइम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड 5 घंटे में 5-6 घंटे ड्राइव उनको नैनीताल मिल जा रहा है, और सेम वेदर है, सेम ठंडी ठंडा है, सेम वहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, सेम वेदर मिल बर्फ मिल जा रही है, तो क्यों वहाँ पे बंदा आएगा। तो वही चीजें हैं, हमको यहाँ पे कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है किसी जगह की ब्यूटी को समझने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। वही 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 अब वही लोग समझते जो जानते हैं ना, अपन जो मोस्टली आजकल जो है उनको बस ये फटाफट काम हो जाए, फटाफट लोग पहुंच जाए वहाँ पे इंजॉय कर पाए, अब उनकी गलती भी नहीं है। अब जो है असल कॉर्पोरेट वाले सैटरडे संडे ही मिल पाता उनको, अब उनके बेचारे क्या करेंगे, तो उनको फटाफट काम हो जाए ऐसा सोचते हैं। और जो भी है हमारे कोशिश जो भी है हम इसको करेंगे और जितना हो सके आप प्रमोट करेंगे, करना चाहिए इस एरिया को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा इंटरव्यू टाइप का बताना, और लोकेशन जल्दी रेडी हो रही है, जल्दी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी अच्छी पूरी वीडियो आएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।